बिशुनपुर प्रखंड के कटिया गांव के समीप घाघरा नदी में बना चेक डैम पहली बारिश में ही बह गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की बिशुनपुर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही थी, जिससे आज घाघरा नदी में बाढ़ आ गया और चेक डैम बह गया। चेक डैम के बह जाने से आसपास के सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई बंद हो गई है, जिससे किसान काफी चिंतित है। इस संबंध में कटिया गांव के बुथराम ताना भगत ने बताया कि गांव जाने के लिए ग्रामीण इसी चेक डैम का सहारा लेकर घाघरा नदी को पार करते थे, लेकिन आज चेक डैम के पास जाने से गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। साथ ही राजेश राव ने कहा कि कई बार ग्रामीणों ने बैठक कर घाघरा नदी में पुल बनाने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया था, मगर अब तक इस पर कोई पहल नहीं किया गया। बरसात के दिनों में ये गांव टापू बन जाता है। इस नदी को पार करने में अब तक कई ग्रामीणों ने अपने जान भी गंवा दिए हैं। माननीय देवी ने बताया कि अगर हम लोग को 2 किलो का राशन भी लाना है तो का नाला जाना पड़ता है। ऐसे में नदी पार होना अपनी जान को हथेली में रखकर पार होना पड़ता है। ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से गुहार, जल्द प्रखंड से संपर्क जोड़ने का करे उपाय। ये सूचना मिलने के बाद मैं खुद आज वहाँ गई थी। घाघरा नदी पर जो एक चेक डैम बना हुआ था, जिसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो डैमेज दिखा मुझे। हम लोग इसके रिगार्डिंग जिला प्रशासन को भी सूचित कर दिए हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था तत्काल हो सकता है तो उसे करवाया जाए। और जो डैम बन रहा है उसके लिए भी हम लोगों ने ये सारी जो पुलिया बन रही है दूसरे क्षेत्र में, उसके लिए भी हम लोगों ने ये कहा है कि जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक काम को तेज़ी से करवाया जाए, जिससे कि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। मेन समस्या वहाँ का है कि राशन के लिए बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, तो इस पर राशन के पहुँचाने पर क्या? राशन पहुँचाने का PTG का जो है वो तो घर घर जाता है, जितनी राशन को पहुँचाना है वो तो हो जाता है। और जो बाकी क्षेत्र में भी जो अभी ये चेक डैम टूटने के कारण का समस्या बता रहे हैं। बिशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत घाघरा नदी में जो चेक डैम बना 2018 में स्टार्ट हुआ, उसका आयु अभी तक पूर्ण नहीं पाया था, जिसमें टूट गया। उससे लोगों को काफ़ी आने जाने के लिए राहत मिलता था। आज तक पुल भी नहीं बन पाया है, अभी लोगों को काफ़ी दिक्कत होगा बरसात में, इसलिए हम लोग को आगमन का सुविधा कुछ बना देने से कसमार क्षेत्र का लोगों को सुविधा काफ़ी होता। हमारे क्षेत्र में अनेक तरह से समस्या है, लेकिन सबसे प्रथम में ये हमारा जो चेक डैम बना था उससे आने जाने के लिए लोगों को सुविधा काफ़ी मिलता था, लेकिन अभी टूटने के बाद इधर का लोगों को हर प्रकार का दिक्कत होगा, इसलिए पुनः इसको बनवा देने का कृपा किया जाए, जिसमें लोगों का जीविका भी ढंग से चले। राशन लेने के लिए लोगों को 2 किलो के लिए भी बलात आने जाने का पड़ता है, अब उसमें भी लोग वंचित हो गए। घाघरा नदी कर जो चेक डैम रहे से बांधल रहे तो वो टूट गया। आवे जाए के लिए काफ़ी कसमार इलाका करे निराशी बोरहा बोरांग जमटी कटिया टेमरकर्चा के बहुत दिक्कत है। ओकर ले जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था बनाल से अच्छा कर रहे। पब्लिक लिए बहुत दिक्कत है, हर चीज़ ले बाजार हाट मान लिया चावल राशन पानी हर आने जाने में दिक्कत है। अगर कोई व्यवस्था ऐसा है तो वही जाल से अच्छा रहे। गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के अंदर यानी निराशी पंचायत में घाघरा नदी जो चेक डैम बना था 2018 में स्टार्टिंग हुई थी, वो बन के तो तैयार हुआ था लेकिन टूट गया। इस चेक डैम के आधार पर बहुत आदमी को आने जाने की सुविधा तो थी, लेकिन अभी टूटने से सुविधा खत्म हो गई, यातायात व्यवस्था टूट गया।
अब बरसात का समय आ गया जिसमें पूरा पब्लिक एवं जनता को आने जाने में असुविधा होगी। इसलिए हम कहते हैं, यानी हमारे समाज कहता है कि चेक डैम को पुनः और रिकवरी को बोलते नहीं, इसको मरम्मती किया जल्द से जल्द जाए। बिशुनपुर प्रखंड के घाघरा चेक डैम बना था 2018 में, जो अभी ये टूट गया। इसके चलते पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने के लिए बाजार हाट या कोई भी कहीं भी आना जाना है तो वह टूट गया, इसलिए पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए जल्द से जल्द इसको मरम्मती कराया जाए या था इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। घाघरा नदी में अथी टूट गया, हम इनके आवे जाए ले बहुत दिक्कत हो थे। बरसात के समय कैसे राशन भाषण कैसे लान भाई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।